रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में पर्सन कैसे रहा करते हैं। सोसाइटी होती है, सोसाइटी में से हम हैं, आप हैं, आपके नेबर्स हैं, या आपके कनेक्शन किसी और स्टेट के पर्सन के साथ है, तो उनके साथ आपका सोशल रिलेशनशिप कैसा था और आप उनके साथ मिलकर कैसे फंक्शन कर रहे थे, ठीक, तो क्या कर रहे थे, कैसे करना था, ये चीजें जो थी, ये अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ जानने का कोशिश करते हैं, तो वो सोशल स्टडीज है, ठीक है। अब ये सोशल स्टडीज होगा वो करना आप नोट कर सकते हो, वैसे ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना, अगर जो करेगी तो आपको बताया जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, तो वैसे काफी डिटेल्स में बना हुआ है स्लाइड्स, आप इसमें से कुछ कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के डेफिनेशंस को आप छोड़ सकते हैं। सर हमको बोर्ड नहीं दिख रहा। मैं बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको स्लाइड दिख रहा होगा। यस स्लाइड दिख रहा है आपको? नो सर, सिर्फ आपका फेस दिख रहा। आप एक बार शिवम सर को कॉल कर लीजिए। आपको सर ये स्टडीज के डेफिनेशंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर दिख रहे हैं। आपको क्लियर है? वही चीजें भी दिखाई जा रही है, वही शो हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक ना। तो देखिए सोशल स्टडीज में सिंपली सिर्फ स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाएगा आपके पास्ट को, आपके ज्योग्राफिकल फेनोमेनन को, कंट्री के अंदर इकोनॉमी कैसे आती है, इकोनॉमी का मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से खर्च किया, किस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, आपके कंट्री के अंदर किंग पहले मोनार्क हुआ करते थे या डिक्टेटर हुआ करते थे, अब आज के टाइम पे जो होंगे वो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इन सभी ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जो मनुष्य जाति है उसका विज्ञान, ये सभी के सभी जो है ये कहाँ पे आएंगे, किस पार्ट में आएंगे, तो ये आएंगे सोशल स्टडीज में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सोशल सर नोट करना है? नहीं अभी बिल्कुल आपको नोट नहीं करना है, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी बात होती है सोशल साइंस। देखिए अगर सोशल स्टडीज के अंदर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते, जैसे कि आपके सोसाइटी में कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो और वो एक्सपेरिमेंट आप करके देख रहे हो कि क्या ये चेंजेस बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या किसी तरीके से हमारे लिए हमको डिमोरलाइज कर रहे हैं या मोरलाइज कर रहे हैं, ये हमारे जो कंट्री है उसके सिचुएशन को इनहांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम वैसा एक्सपेरिमेंट करना है तो ये सोशल साइंस बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अमृत सागर, यस कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? यस एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को हम सुनाई दे रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऑडिबल होने से। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज सोशल साइंस। पहले तो अब मुझे आप ये बताओ कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, उस हिसाब से मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ते हैं कि सोशल साइंस पढ़ते हैं? सोशल साइंस, ठीक है, अब समझ। चलिए सोशल स्टडीज को आपने समझा, अभी तक तो मैंने सिर्फ सोशल स्टडीज को डिफाइन किया, ठीक है। सोशल स्टडीज के अंदर आते हैं हिस्ट्री, उसके अंदर आते हैं सिविक्स, आप पढ़ते हो ना हिस्ट्री और सिविक्स? यस यस सर। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सोशल साइंस है, ठीक है। अब समझते हैं जरा कि सोशल साइंस क्या होता है, फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करना कि आपके जो सिलेबस में होता है वो सोशल स्टडीज होता है कि सोशल साइंस होता है, ठीक। समझते हैं व्हाट इज सोशल साइंस, तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा। सोशल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड द रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स। हेलो सर, बात है, डिफिनेशन वही है, डिफिनेशन वही है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक, जिसमें आप सोसाइटीज को, रिलेशनशिप को एंड इंडिविजुअल उसके बारे में पढ़ते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि सर मेरा क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था, सर फिर से थोड़ा बता दीजिए ना, पहले वाला छूट गया जो आप बताए हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक।
हेलो हाँ अनुपम, क्या दिक्कत है अनुपम? अनुपम मेरी आवाज क्लियर है? वो आवाज ही नहीं आ रहा है। सभी को साउंड क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर है सभी को? यस सर, साउंड क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। अगर जिनको भी साउंड क्लियर नहीं है वो एक बार अपना नेटवर्क चेक करें और रीजॉइन हो, ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करें, ठीक है। साउंड का जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो दोबारा से रीजॉइन करें और वीडियो आपको सभी को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें नहीं जो अभी सर आपको बता रहे हैं वो आप लोग नोट करें, नोट नहीं हो पा रहा है तो आपको वीडियो के थ्रू नोट करना है, ठीक है। पहले जो सर बता रहे हैं उस पर फोकस करें सभी के सभी, ठीक है। सर इसको नोट करना है? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी आपको नोट नहीं करना है। जब नोट करना होगा उसमें खुद बोल दूंगा कि यहाँ से आप नोट करना शुरू करें। आप सभी को देखिए सोशल स्टडीज अलग कॉपी रहेगा। हाँ बिल्कुल, सोशल साइंस में हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी तीनों की अलग कॉपी रहेंगे। यस ठीक है। जो भी डाउट होगा ना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैं खुद आपको एक टाइम दूंगा और उस समय जितना क्वेश्चंस करना होगा आप उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, क्योंकि अभी हमने सिलेबस शुरू नहीं किया, अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जिसका अगर मिस भी हो गया जिसका सर बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं है बाबू, आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। नहीं सर कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रहा। आप फिर से रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हमने कहा क्या, अब तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या दिख रहे हैं जरा उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सोशल स्टडीज एक वाइड कॉन्सेप्ट है, सोशल स्टडीज एक वाइड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्टडीज जो भी हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, पर डे हमारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सभी को हम लोग लिखते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में कोई ना कोई हिस्टोरियन होता है, कोई ना कोई पर्सन होता है जो कि इसको नोट डाउन करता है और तब हम सिर्फ इसकी स्टडीज करते हैं। अगर हम सिर्फ इसकी स्टडी कर रहे हैं, जानते हैं कैसा था हमारा हिस्ट्री, उसके बारे में जानने का ट्राई करते हैं, तो ये सोशल स्टडीज है। लेकिन फिर क्या होगा कि हम अपने सोसाइटीज के अंदर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ कुछ चेंजेस लाने का ट्राई करेंगे और चेंजेस लाने के बाद फिर हम रेफर करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या सही था क्या गलत था। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोशल साइंस, ठीक है। अब देखिए इस सोशल साइंस में आपको कई सारे पार्ट देखने को मिलेंगे सर। सोशल साइंस किसे कहते हैं आपके क्लासेस में?